के इस स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ इंटरनेट के इश्यूज के कारण हम थोड़ा लेट हुए, बट आज हम स्पेशली हम आदरणीय हमारे मोहित भाई जी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप विश्व विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपने पूरे भारत में माइंड ट्रेनिंग कराई है, बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और स्पेशली आप डॉक्टर्स के लिए स्पेशल इवेंट, स्पेशल प्रोग्राम्स रखते हैं। आपने देश विदेश में कई महासम्मेलनों में भाग लिया है। आप बाबा के बहुत ही प्यारे नूरे रतन हैं और आज हम विशेष रूप से सभी उड़कर चलेंगे, एक फ्लाइट लेंगे, और क्योंकि आज का ये टॉपिक है अ फ्लाइट ऑफ एन एंजल, बहुत सुंदर। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम आदरणीय भ्राता जी को निवेदन करेंगे कि आप आज के इस वक्तव्य को शुरू करें, और देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको ये वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू शक्ति भाई एंड ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी कमांडोज, आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों का, आप सभी बाबा के रूहानी राइट हैंड बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मुझे ध्यान आता है कि हमारी जीवन भी एक यात्रा की तरह है, और जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं, किसी उड़ान पर जाते हैं, तो उसमें चार चीजों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। एक, समय, उस यात्रा में हमें कितना समय लगता है। दूसरा, उस यात्रा में किस गति से हम अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। और तीसरा, किस साधन के द्वारा जाते हैं। और चौथा, हमारा गंतव्य क्या है। तो समय, गति, साधन और गंतव्य। तो हम बाबा के बच्चे अगर हम अपने जीवन में देखें और अनेकों अनेक आत्माएं लौकिक रूप से देखें, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह हमको जाना हो, तो हम कभी छोटा साधन लेते हैं, कभी बस, कभी ट्रेन, कभी गाड़ी, और उसके अंदर हम लोग ईंधन भरते हैं, और उस जाने में हमको थोड़ा समय भी लगता है। जब हम जाते हैं तो उसकी गति अपने हिसाब से होती है, समय की गति अपने हिसाब से होती है, और गंतव्य का डिस्टेंस कितना है वो भी मैटर करता है। लेकिन आज जब हमारा गंतव्य बाबा ने हमारे सामने बहुत स्पष्ट किया है, किसी व्यक्ति को यदि पृथ्वी से चांद की ओर जाना हो या कहीं और जाना हो, बहुत दूर जाना हो, तो उसके लिए उसको समय कम यूज करना है, गति बहुत तेज होनी चाहिए, साधन भी बहुत उपयुक्त होना चाहिए। और अगर ये तीनों चीजें हम अपने कंट्रोल में, अपने जीवन में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम समय पर गंतव्य पर पहुंच पाते हैं। तो अगर कोई मानव चांद पर जाता है तो उसे क्या यूज करना पड़ता है? उसे रॉकेट यूज करना पड़ता है। और जब हम रॉकेट को देखते हैं, एक रॉकेट और एक एरोप्लेन और एक गाड़ी में कितना डिफरेंस होता है। रॉकेट जो है उसकी बनावट बड़ी डेलिकेट होती है, उसकी बनावट बहुत बहुत मजबूत होती है, उसके अंदर स्पेशल पार्ट्स लगाए जाते हैं, क्योंकि उस यात्रा में एरर का कोई भी स्कोप नहीं होता, गंतव्य बहुत दूर है। जब हम देखें तो उसके अंदर किस प्रकार का ईंधन हम लोग डालते हैं, उसका ईंधन भी रॉकेट के अंदर होगा, तो वो स्पेशल प्रकार का ईंधन होता है, हाईली प्यूरिफाइड ईंधन होता है, उसके अंदर जरा भी मिलावट किसी प्रकार की नहीं होती। और एक और बात अगर आप देखें तो रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाने के लिए बहुत पावरफुल प्रोपेलर्स का यूज किया जाता है, बहुत पावरफुल इंजन्स का यूज किया जाता है, और वो इंजन्स उस रॉकेट को अर्थ से पार ले जाकर, अंतरिक्ष में ले जाकर, वो इंजन क्या करते हैं, वो स्वयं डिटैच हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और वो रॉकेट को उसके ग्रह पर छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में हमारा आत्मा रूपी रॉकेट भी आज हमारे साथ है। वो सदा उड़ान भरनी है तो किसको भरनी है? आत्मा को भरनी है। और हमारा गंतव्य हमारे प्यारे बाबा ने हमको बहुत सुंदर रूप से दिया है, बहुत स्पष्ट रूप से हमारा गंतव्य दिया है। और हमारी गति कितनी तेज है? हमारी गति इतनी तेज है कि हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और हम हवा की गति, अगर हम साउंड की गति देखें या लाइट की गति भी हम लोग देखें, उससे भी कई गुना हमारी गति है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा प्रोपेलर यानी हमारे जो इंजन है वो कौन है? वो हमारे इंजन जो है हमारे बाबा है, हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारे शिव बाबा।
वो हमको बहुत तेजी से शिव बाबा हमको प्रोपेल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं और खींच कर हमको अपने गंतव्य पर पहुंचाकर बाबा क्या करेंगे, हमको जीवन मुक्ति का वर्षा देकर स्वयं शांति धाम में चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हमें जीवन में उड़ान भरनी है तो एक बात की स्मृति हम सबको सदा रखनी होगी कि हम लोग डेली क्लासेस करते हैं, हम लोग डेली अलग अलग प्रकार की जर्नीज पर जाते हैं, हम अलग अलग प्रकार से बाबा से योग लगाते हैं। लेकिन आज एक बात हम अपने आप से पूछें कि क्या मेरी आत्मा रूपी रॉकेट और बाबा से उसका कनेक्शन वो बहुत प्योर और पावरफुल है? क्योंकि प्रोपेलर और रॉकेट उनके बीच में भी एक बहुत सुंदर संबंध चाहिए होता है। प्रोपेलर बेस होता है, वो बेस उस रॉकेट को ऊपर उठाता है। इसी तरह हमारी आत्मा को भी बाबा की तरफ, परमात्मा की तरफ, शांति धाम की तरफ उड़ाने का जो प्रोपेलर है वो है हमारे बाबा की याद। उस याद में अगर जरा भी ऊपर और नीचे होगा तो हम लोग बाबा की तरफ उड़ान नहीं भर सकते। तो आज की इस सुंदर यात्रा में जो फ्लाइट ऑफ एन एंजल है, एंजल्स तो हम सभी लोग हैं ना, बाबा के बच्चे, उन एंजल्स की क्या ब्यूटी होती है, उन एंजल्स की क्या पहचान होती है, हम बाबा के प्यारे बच्चे एंजल्स कैसे बने, उसके लिए सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज, बिल्कुल घर में रहते हुए, अपने स्थान पर रहते हुए, योग कर्मयोग का परफेक्ट बैलेंस बनाते हुए हम बाबा के साथ और बाबा के पास कैसे जा सकते हैं, आज हम उसके बारे में कुछ कुछ बातों की चर्चा करेंगे। आज मुझे आपके सामने एक बहुत सुंदर कहानी ध्यान में आती है। वो कहानी एक व्यक्ति की है। वो व्यक्ति एक बहुत बड़े फार्म हाउस में रहता था, उसका अपना एक फार्म हाउस था, लेकिन वो काम बिल्कुल नहीं करता था। और वो उसके पास कुछ 5 या 10 बकरियां थी, वो उन्हीं का दूध बेचता और बेचकर उसी से अपना गुजारा चलाता था। पूरे दिन अपने घर में पड़ा रहता, ना उसने अपने घर को साफ रखा हुआ था, ना अपने बगीचों को साफ रखा हुआ था, ना अपने खेतों को साफ रखा हुआ था, केवल उसी से अपना कार्य चलाता। तो एक दिन एक महात्मा अपने शिष्य के साथ उस व्यक्ति के घर पर आए और उससे कहा कि क्या हम तुम्हारे घर रुक सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल रुक सकते हैं। तो वो महात्मा उनके घर पर रुक गए। उसने उनको एक छोटा सा कमरा दिया जो कि बहुत ही गंदा था। शाम को महात्मा ने उसके घर का पूरा चक्कर लगाया, आसपास के खेतों को देखा और फिर रात को आके अपने कमरे में अपने शिष्य के साथ सो गए। फिर बीच रात को वो उठे और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि बेटा यहाँ से हमें अभी ही चलना होगा। तो शिष्य ने कहा कि नहीं महात्मा जी, हम कल चले तो उसने कहा आज ही चलना होगा। तो उस महात्मा ने उस शिष्य को उठाया और उठाकर जैसे ही घर से बाहर निकले, जब सब सो रहे थे, तो उस महात्मा ने कहा कि शिष्य को कि इस व्यक्ति की 10 बकरियां जो हैं उनको भी तुम खोल लो और अपने साथ ले चलो। तो शिष्य हैरान हो गया। उसने कहा महात्मा जी, ये तो इस व्यक्ति का केवल एक ही अर्निंग का साधन है, हम इसको अपने साथ कहाँ ले जाएंगे, ये तो चोरी नहीं होगी? तो महात्मा ने कहा नहीं, जो मैं करता हूँ कहता हूँ वो तुम जरूर करो। तो उस व्यक्ति ने, उस जो उसका शिष्य था, उसने उन बकरियों को खोला और खोलकर महात्मा उनको अपने साथ लेकर उस गांव से रातों रात बहुत दूर चले गए और दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति के पास वो बकरियां छोड़कर वो अपने आश्रम में जा बैठे। 1 बीता, 2 बीते तो उस शिष्य का मन बहुत उथल पुथल खा रहा था। उसने एक दिन महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, ये तो मुझे वो स्मृति आती है कि कहीं ना कहीं हमने वो कार्य गलत किया है, हमें ऐसी चोरी या ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे बोला कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम उस व्यक्ति के पास दोबारा जाओ और दोबारा जाकर पूछो कि वो कैसा है, उसके हाल चाल देखो। तुम कहते हो कि कहीं वो भूखो ना मर रहा हो, तुम एक बारी उसके पास होकर आओ। तो वो शिष्य उनसे आज्ञा लेकर उस व्यक्ति के पास गए। जब वो उसके घर पर पहुंचा तो वो खेत जो पुराने पहले उजड़े हुए थे वो अब फसलों से लहला रहे थे। उसका घर जो था, जो पुराना सा घर था, वो एक बहुत बड़े सुंदर घर में परिवर्तित हो चुका था। और वो व्यक्ति, वो शिष्य उस व्यक्ति के पास गया और बोला कि अरे आप यहाँ पर? और उस व्यक्ति ने उस शिष्य को पहचान लिया और उससे कहा कि हाँ, आज देखो ये जो मेरा पुराना घर था ये बहुत बड़े घर में परिवर्तित हो चुका है।
और ये जो खेत जो पहले कभी भी नहीं उपयोग में आते थे, आज ये कितनी बड़ी बड़ी फसलें हमको दे रहे हैं। तो उसने कहा, ये कैसे हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि उस दिन रात को जब आप यहाँ से गए थे, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरी सारी बकरियां जो हैं यहाँ से भाग गई। और मुझे उस दिन पहली बार रियलाइज हुआ कि अब मेरे पास अर्निंग का कोई साधन नहीं है, तो मुझे अपने इन खेतों का ही उपयोग करना चाहिए। तो अगले दिन मैंने अपने खेतों में बीज बोने आरंभ किए, उनको उपजाऊ बनाया, और धीरे धीरे एक साल की मेहनत के बाद खूब ढेर सारी फसलें हुई, और फसलों के होते होते आज मैंने खूब धन इकट्ठा किया और जीवन में खुशहाली आई, और मैं ये धन गरीबों को भी देता हूँ, और मेरा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो चुका है, सब सुविधाएं मेरे पास है। तो शिष्य को महात्मा का वो जो कर्म था, वो जो मैसेज था, वो समझ में आ चुका था। तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर रूप से कहा कि मुझे ये अनुभव हुआ कि पहले मैंने अपने जीवन को कुछ बकरियों से बांधा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो बकरियां मेरे जीवन से गईं, तो आज मेरे जीवन में आजादी है। मेरे को पता लगा कि मेरे जीवन में मेरे पास कितने अपॉर्चुनिटीज थे, कितने वेज थे कि मैं अपने जीवन में आगे प्रगति कर सकता हूँ, लेकिन उन बकरियों की वजह से मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमको भी अपने जीवन में ये देखना है कि इस छोटे से संगम युग पर कहीं हमने भी अपने जीवन में एक चक्रव्यूह की तरह कुछ छोटे छोटे बंधनों में अपने आप को बांधा तो नहीं हुआ। कुछ ऐसी ऐसी बकरियां जिनको हम अपने जीवन में बांध कर रखते हैं कि हम इस रूहानी उड़ान का आनंद नहीं उठा पाते हैं। जो फरिश्ता स्वरूप स्थिति बाबा ने कम से कम 100 मुरलियों में अलग अलग प्रकार के स्वरूप डिस्क्राइब किए हैं, अलग अलग प्रकार से बच्चों को वरदानों से भरपूर किया है कि मेरे बच्चे फरिश्ते हैं, फरिश्ते बनेंगे। लेकिन आज बाबा की मुरली में जो बाबा की हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बाबा हमसे चाहना रखते हैं, उन चाहनाओं को आज हम परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? आज हम इन बातों पर भी प्रकाश डालेंगे और आज फरिश्ता स्वरूप स्थिति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बाबा ने जो बहुत सुंदर बात हम बच्चों को बताई है कि जो बच्चे फरिश्ते स्वरूप होते हैं, जो बच्चे सच में रूहानी उड़ान उड़ना चाहते हैं, फरिश्तों की सबसे पहली पहचान होती है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कि वो बच्चे निर्बंधन होते हैं। निर्बंधन, जहां जीवन में बंधन है, ये बंधन सूक्ष्म बंधन हो सकते हैं, स्थूल बंधन हो सकते हैं। सूक्ष्म बंधन, स्थूल बंधन, संबंधों का बंधन, आकर्षणों का बंधन और सेवाओं का बंधन। हम अपने पूरे दिन, अपने जीवन में एक दिन को देखें, कहीं ना कहीं कुछ अपने आप से, अपने मन से हम लोग बंधन बांध कर रखते हैं। अपने कार्यवार, कार्य प्रवाह की, अपने कार्य शैली की भी हम लोग पूरे दिन बाबा से ही दुहाई करते रहते हैं कि बाबा आप तो समझते हैं, हमको ये भी कार्य करना है, हमको ये भी बंधन है, हमारे घर में ऐसा भी है, हमारे घर में वो कार्य भी है। तो बाबा भी ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं। जब प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिनका बहुत बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस था, आप जानते हैं 1937 में जब पहली बारी परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया, तो सबसे पहले उनको केवल एक दिन नहीं, एक सेकंड लगा ये रियलाइज करने में कि अगर परमपिता परमात्मा मुझे तार जोड़नी है, अगर परमपिता परमात्मा को अपने जीवन में आने देना है, अगर उस रूहानी उड़ान में पर जाकर फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है, तो सब बंधनों को काटना बहुत आवश्यक है। और प्यारे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उन्होंने केवल एक दिन भी नहीं लगाया, एक पल के अंदर अपने सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे बिजनेस को बाइफरकेट कर दिया, जिसका जो हिस्सा था वो सबको दे दिया, और अपना सारा हिस्सा उस परमपिता परमात्मा के नाम पर करके, माताओं का एक ट्रस्ट बनाकर एक सेकंड में बाबा निर्बंधन हो गए। क्योंकि जहां बंधन है, वहां ऑटोमेटिकली हमारी संकल्प जाएंगे, चाहे स्थूल बंधन हो, चाहे सूक्ष्म बंधन। इसी प्रकार पूरे दिन हम बाबा के बच्चे भी कुछ ना कुछ बंधन अपने साथ बांध कर रखते हैं। हम देखें अपनी दिनचर्या में किस प्रकार के बंधन हमारे जीवन में
हमको उस उड़ान करने में रोकते हैं। जब भी हम प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं, जो जो स्मृतियां, जो जो बातें हमारे मन में उस समय पर आती हैं, वो बंधन के रूप में आती हैं। और वो पॉइंट करता है कि बंधनों को काटना, निर्बंधन होना बहुत आवश्यक है। ये बंधन सूक्ष्म भी हो सकते हैं। कई बारी हम प्यारे बाबा के बच्चे सेवाओं को भी एक बंधन के रूप में अपने साथ बांध लेते हैं और उन सेवाओं का बंधन बांध कर हम बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं और बाबा की याद में हम नहीं बैठ पाते हैं। ये बैलेंस का एक बहुत सुंदर खेल है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमको निर्बंधन भी बनाया है और निर्बंधन के साथ साथ बाबा कहता है बच्चे बैलेंस भी बहुत सुंदर रखते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा ने कहा है कि बच्चे ज्ञान और योग का बैलेंस रखना है कि हाँ, जहाँ मेरे प्यारे बच्चे ज्ञानित्व आत्मा है, उसी प्रकार से मेरे बच्चे योग्यत्व आत्मा भी है। इसी तरह बाबा कहते हैं कि बच्चे कर्म और योग का भी बैलेंस रखते हैं। जहाँ मेरे बच्चे नित्य योग में अपना समय देते हैं, उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे कर्मों से भी परे नहीं है। क्योंकि बाबा हमको कहता है कि निर्बंधन का सबसे सुंदर स्वरूप है कर्म योगी बनना। अगर फरिश्ते हैं तो फरिश्ता निर्बंधन भी होगा, लेकिन निर्बंधन का अर्थ ये नहीं कि वो अपना कार्य प्रॉपर नहीं करता। फरिश्ता बहुत सुंदर रूप से, बहुत सहज रूप से कर्मों को और ब्यूटीफुल रूप से करता हुआ योग की स्थिति में रहता है। तो निर्बंधन हमको बहुत प्यार से बाबा की तरफ कनेक्ट करता है। इसके लिए एक बहुत सहज पुरुषार्थ है कि अगर हम लोग अपने फरिश्ता स्वरूप स्थिति, अगर हम लोग अपनी फरिश्ता स्वरूप स्थिति का, अपनी संपूर्ण स्थिति का पिक्चर अपने सामने रखेंगे। बाबा ने एक बहुत सुंदर मुरली 69 में चलाई थी, जिसमें बाबा ने यही कहा कि मेरे प्यारे बच्चे अगर अपनी पिक्चर सामने रखेंगे तो जिस चीज की पिक्चर हमारे सामने होगी, उसी प्रकार का नेचर भी हम लोग बनाते जाएंगे। तभी बाबा हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का जो पिक्चर है सदा हमारे साथ, हमारे सामने रख पाता है। और जब ब्रह्मा बाबा भी थे और मुरली चलाते थे, तो ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड में ही उनका टारगेट, बाबा कहता था मैं लक्ष्मी और नारायण, नारायण बनूंगा, तो वो पिक्चर सदा बाबा के साथ रहती थी और उसकी तरफ उनका पुरुषार्थ अग्रसर रहता था। तो फरिश्ता की सबसे पहली पहचान है कि फरिश्ता निर्बंधन होगा। तो कल से और आज से ही, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम सूक्ष्म चेकिंग करेंगे कि क्या क्या बंधन हमको मन, वचन और कर्म में बांध कर रखते हैं, और धीरे धीरे हम प्यारे बाबा के बच्चे उन बंधनों को प्यार से काटते जाएंगे। रोज एक एक बात को ले और उस बंधन को अपने जीवन से काटते जाएं। तभी तो हमारा रॉकेट बाबा के पास उड़ जाएगा। अगर प्रोपेलर इंजन भी हो, लेकिन रॉकेट के जो साइड में उसको होल्ड कर रहे हैं, वो बंधन हम वो छोड़ेगा ही नहीं, तो वो उड़ कैसे सकता है। फरिश्ता अर्थात निर्व्यर्थ, जिसके जीवन में व्यर्थ का कोई भी स्थान ना हो। हम प्यारे बाबा के बच्चे हैं। बाबा सबसे पहले आकर हमको कहता है कि बच्चे, अगर तुम्हें रूहानी उड़ान उड़नी है, अगर तुम्हें एक फरिश्ते की तरह दूर उड़ना है, तो आपके जीवन में, मन, वचन, कर्म में किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमने अपनी दादियों को देखा, हमने ब्रह्मा बाबा की चरित्र और चित्र को भी देखा। उन्होंने अपने जीवन में एक भी व्यर्थ, छोटी सी छोटी बात भी व्यर्थ को भी स्थान नहीं दिया। जब दादियों के पास कोई बड़ा बड़ा व्यर्थ का लेटर आता था, कोई बड़ी बड़ी बातें लेकर व्यर्थ की सुनाने आते थे, या ब्रह्मा बाबा के पास भी कोई ऐसी बातें सुनाने आते थे, तो बाबा प्यार से मुस्कुराते थे और उनकी बात सुनते हुए भी अपने आप को डिटैच कर लेते थे और कहते थे कि हाँ बच्चे, समझ लिया, लेकिन अब परिवर्तन हमें अपने जीवन में लाना है। निर्व्यर्थ के लिए जो सहज पुरुषार्थ हम सब बच्चों को करना है, वो सहज पुरुषार्थ है पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त। अगर हम पूरे दिन अपनी दिनचर्या को देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे मन संकल्पों में,
अन्य आत्माओं के प्रति स्थूल और सूक्ष्म चिंतन, उनके जीवन पर दर्शन और उनकी मत पर मत, उस पर हम लोग चलते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो है ये वैल्यू न्यूट्रल है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी बात हमको बार बार बताए और उस व्यक्ति की बात हम अपने दिल से लगा लेते हैं और हम उसकी बात को दिल से लगाकर उसी के बारे में हम पूरे दिन अपना चिंतन चलाते हैं, उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं, उसी की पिक्चर हमारे सामने आती रहती है, चाहे वो कितना भी दिव्य कितना भी पावरफुल ना हो, और उसी की बातें हमको श्रीमत की तरह महसूस होती है, तो ये भी पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत का एक सूक्ष्म रूप कहा जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर हमको दी है। बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे पर चिंतन नहीं करते, मेरे बच्चे केवल स्व चिंतन करते हैं। बाबा अपने मन में ही स्व चिंतन, अपने संकल्पों को ही रोज चेकिंग करते थे कि किस प्रकार के संकल्प, जो आज हम अभ्यास भी करेंगे कि शुरू में जब बाबा, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित भी हुए, उससे भी 5 साल पहले जब ब्रह्मा बाबा की डायरी आप लोग पढ़ेंगे, उसका उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं, तो बाबा रोज अपनी एक दरबार लगाते थे और उस दरबार में 8 दरबारियों को वो बिठाते थे। और उस दरबार में 8 दरबारी कौन होते थे कि एक तो स्वयं आत्मा होती थी और वो अपनी 7 5 कर्मेंद्रियों को बिठाते थे और वो यही कहते थे कि हे मन, तू मन मेरा मन है लेकिन तू मेरे अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है। आंखें जो मैं देखना चाहूं तू वो देखती ही नहीं है। मैं हाथ के द्वारा जो कार्य करना चाहूं तू क्यों मुझे कभी कभी धोखा दे जाता है। तो स्व चिंतन करते करते ही स्व की कर्मेंद्रियों पर और मन बुद्धि और संस्कार पर विजय प्राप्त करना, उनके ऊपर संयम रखना, ये बहुत सुंदर स्व चिंतन का अभ्यास है कि मैं कौन हूं और ये कर्मेंद्रियां ये मेरे, मैं इनका मालिक हूं, मुझे इनके द्वारा मालिक बनकर राजा बनकर कर्म कराना है। तो स्व चिंतन बहुत आवश्यक है। स्व दर्शन, रोज अपने ही हर पल अपने जीवन, अपने संकल्प, अपने गुणों को हम देखें और अपने अवगुणों को देखकर उनको एनालाइज करके हम रोज अपने जीवन से निकालते जाएं। और परमत नहीं, बाबा कहता है मैंने अपने बच्चों को केवल एक श्रीमत दी है। हमारी श्रीमत क्या है? हमारी श्रीमत है प्यारे बाबा की मुरली। केवल बाबा की ही मुरली हमको सुननी है। बाबा जो हमको मुरली सुनाते हैं, बड़ी दादियों बड़ी बहनों की जो मंथन की क्लासेस हमको मिलती हैं, भाइयों की क्लासेस जो हमको मिलती हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शन का एक रूप बन जाती है। लेकिन हमारा कनेक्शन किससे होगा? हमारा कनेक्शन होगा एक परमपिता परमात्मा से। फरिश्ते की उड़ान जो होती है वो निर्व्यर्थ होती है और व्यर्थ मुक्त होने के कारण वो सहज रूप से अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाता है। तो पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से हम मुक्त आत्माएं हैं, सदा के लिए मुक्त आत्मा है। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज जो बाबा नहीं करते थे, जो बाबा नहीं सुनते थे, वो हमको नहीं सुननी है। वो हमारे जीवन में व्यर्थ का एक बहुत बड़ा रूप है, उसको हमें जीवन से हटाना है। तो निर्बंधन और निर्व्यर्थ है हम बाबा के बच्चे। तीसरी क्वालिटी जो फरिश्ता बनने के लिए बहुत आवश्यक है, या फरिश्तों की जो बहुत सुंदर पहचान है, वो है कि फरिश्ता निर्बोझ होता है। कोई भी बोझ उसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि अगर हम उड़ना चाहते हैं तो उड़ने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम निर्बोझ रहें, हम हल्के रहें। मन, वचन, कर्म, संपर्क और संबंध में बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्का। हमारे मन का एक एक विचार ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल शांत, किसी भी आत्मा से हम संपर्क में आए, किसी भी व्यक्ति के लिए कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का वो व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा भी हो। लेकिन आज भी बाबा ने इतना सुंदर बोला कि हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए कोई भी मैल, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे मन में ही नहीं आती है तो हमारे बोल और हमारे कर्म में किसी भी आत्मा के लिए कोई भी
नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। हमने देखा कि परिस्थितियां आती थी, संबंध संपर्क में अनेक प्रकार की आत्माएं कुछ कुछ अपना बोझा और अपना किचड़ा लेकर कभी कभी हमारे पास आ जाती है। और हमारी ब्राह्मण लाइफ में भी हमको कभी कभी ये महसूस होगा, हम तो कहेंगे कि देखो कौन कर रहा है, कहीं तो हमें कोई प्रॉपर दिखता नहीं है, कुछ लोग इसी प्रकार से करते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि हम व्यर्थ से मुक्त हैं, हल्के हैं, कोई कुछ भी कर रहा हो लेकिन हमारे मन पर किसी भी आत्मा का कोई भी बोझा नहीं होना चाहिए। संकल्प मात्र में भी उस आत्मा के लिए इतना भी चिंतन हमारे मन में नहीं होना चाहिए। जब चिंतन नहीं होगा तो हमारे चित्त पर उस आत्मा के लिए कोई भी नेगेटिविटी आना वो पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश करना कि हर आत्मा चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्रकार का बोझा आपके पास लेकर आ रही हो, लेकिन हम बाबा के निर्बंधन निर्व्यर्थ बच्चे हैं तो बोझा हमारे पास कैसा है। हम तो फरिश्ता स्वरूप स्थिति वाले बच्चे हैं। इस फरिश्ता स्वरूप स्थिति का हमें अनुभव अभी ही करना है। एक बारी हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग पहुंचे, तो उस समय यज्ञ तो था और कितनी बड़ी बड़ी बहुत सारी बहनें भी आती थी और वो बहनों को संभालना, उनका अलग अलग प्रकार का स्वभाव संस्कार होता था। यज्ञ कितना बड़ा था और कितने अनेकों देशों में ये यज्ञ एक्सपैंड हो चुका था। तो उन्होंने पहला प्रश्न दादी से पूछा और दादी से कहा कि दादी हम इतने अनेक अनेक महात्माओं के पास जाते हैं, संस्थाओं के पास जाते हैं, हम देखते हैं कि उनके तो जैसे रातों की नींद भी उड़ जाती है, उनको चिंता होती है कि किस प्रकार से हम अपने इंस्टीट्यूशन को चलाएं। तो क्या आपको भी कभी कभी यहाँ महसूसता होती है, आपकी नींद में भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है? तो दादी ने मुस्कुराते हुए बोला कि दादी तो जब जाती है सोने तो दादी को 2 सेकंड भी नहीं लगते बाबा के पास उनकी गोदी में जाने में। दादी को इतनी बढ़िया रिलैक्स नींद रोज आती है। क्यों? क्योंकि दादी ने अपने आप को निर्बोझ बनाया है। दादी ने अपने अपने मन पर, अपने संकल्पों के ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखा है। तो आज बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा था कि बच्चे बोझ का टोकरा जो है वो अपने सर पर नहीं रखना है। सारे बोझ का टोकरा आज हम किसको दे देंगे? आज की इस भट्टी में अपने सारे संकल्पों का बोझा, स्थूल बोझा हम बाबा को दे देंगे। बाबा है ना हमारे साथ, बाबा हमारी बैकबोन है, वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रोपेलर है। देखो रॉकेट को ध्यान मिलाओ, जब रॉकेट उड़ता है तो गर्मी तेजी से नीचे निकलती है, वो सारी अग्नि जो है वो प्रोपेलर स्वयं सहन करता है, लेकिन वो आगे उन पायलट्स को, वो जो कॉस्मोनॉट्स होते हैं उनको वो आकाश में पहुंचा आया। इसी प्रकार बाबा कहता है कि बच्चे रोज अपना सारा बोझा हमें दे दो। मैं बैठा हूं ना बच्चे, तुम क्यों बोझा उठाते हो? तुम हल्के बन जाओ, ऐसे हल्के बन जाओ जो उड़कर प्यार से बाबा के पास आ जाओ, सहज ही, बिल्कुल सहज। तो फरिश्ते हम बाबा के बच्चे हैं, अर्थात हम लोग निर्बोझ हैं, निर्बंधन निर्व्यर्थ और निर्बोझ हैं। फरिश्ता अर्थात निर्मोही, फरिश्ते को किसी में भी मोह नहीं रहता, कोई भी अटैचमेंट उसको रोक नहीं सकता। और इसका सबसे सुंदर जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो है हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियां। आपने देखा कि इतना सुंदर बड़ा यज्ञ जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने स्वयं रचा और रचकर ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, बड़ी दादियों को निमित्त बनाया, हमारे प्यारे भाइयों को निमित्त बनाया, लेकिन सबको निमित्त बनाते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपना अटैचमेंट, अपना मोह इसमें नहीं रखा। कभी आपने किसी को भी ये नहीं कहा होगा, दादी को नहीं सुना होगा, या किसी भी यज्ञ में एक भी आत्मा को ये नहीं कहते हुए सुना होगा कि ये यज्ञ मैं चला रहा हूं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा का ही यज्ञ है। जैसे ही हम लोग ये संकल्प अपने जीवन में समझते हैं तो निर्मोही हम बन जाते हैं, हमारी स्थिति उपराम बन जाती है, हमारी स्थिति
एकदम उपराम बन जाती है। निर्मोह अर्थात ना स्वयं में अटैचमेंट, अपने संबंधों में, अपने स्थूल पदार्थों में, जो छोटी छोटी चीजें हम अपने साथ अपने जीवन में रखते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। किसी व्यक्ति के साथ हम संबंध रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण लाइफ में भी क्यों ना हो, लेकिन वो अटैचमेंट भी हमारे लिए बहुत भारी मोह का काम करता है, बंधन का काम करता है, और जब भी हम उड़ने में बैठेंगे तो वो हमको नीचे खींच लेगा। तो फरिश्ता अर्थात जो उपराम स्थिति में है, जो सर्व आकर्षणों से परे है, उसकी बुद्धि का जो पांव है वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से फंसता नहीं है। हम बाबा के प्यारे बच्चे रोज चेक करें, जब हम योग में बैठते हैं तो कभी कभी योग में बैठते ही कि कौन मेरा है, मुझे उसके साथ कोई कार्य करना है, मुझे उससे बात करनी है, थोड़ा थोड़ा उसके साथ कहीं ना कहीं, बाबा आप समझते हो, इतना तो होता है, आखिर वो हमारा संतान है या हमारा बच्चा है। जानकी दादी बहुत सुंदर बोलती थी, जानकी दादी हमेशा एक बात कहती थी कि मैंने अपने आप को कभी भी किसी में फंसाया नहीं है और ना किसी आत्मा को अपने में फंसने दिया है। ब्रह्मा बाबा दादियों को आपने सदा अनुभव किया कि जब भी हमें भी ध्यान है कि जब हम दादियों के पास जब भी जाते थे, जब भी बड़ी दादी, गुजार दादी, उनके पास जब भी जाते थे तो हमें ऐसा अनुभव होता था कि दादी हमारी है। बाबा के पास अव्यक्त बाबा से जब भी हम पर्सनल मिलन मनाते तो हमें लगता था कि बाबा हमारा है, और आज भी हमको ये अनुभव होता है। लेकिन जिस पल हम वहां से जाते थे तो वो सुंदर इंटरेक्शन, वो सुंदर जो हमारा बाबा और दादियों के साथ हम वो सुंदर पल होते थे, वो कभी भी मोह और अटैचमेंट के रूप में परिवर्तित नहीं हुए। ब्रह्मा बाबा को आपने देखा कि अंतिम समय में भी जब बच्चों का इतना प्यार उनको खींच रहा था, बच्चों का इतना स्नेह उनको खींच रहा था, लेकिन बाबा ने क्या बोला, बाबा ने बोला कि फरिश्ता उड़ गया, फरिश्ते को कोई भी रोक नहीं पाया, कोई भी बच्चे को, क्योंकि बाबा ने हर बच्चे को स्नेह दिया लेकिन उस स्नेह को मोह में परिवर्तित नहीं होने दिया, मोह में परिवर्तित नहीं होने दिया। तो इसलिए हम सब प्यारे बाबा के बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है, ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी पदार्थ में हम फंसते तो नहीं हैं, हमारा उससे अटैचमेंट तो नहीं है। ये बहुत आवश्यक है। एक बहुत सुंदर हंसी की बात भी मुझे ध्यान में आती है कि एक बारी एक इंटरव्यू लेने वाले एक महात्मा के पास पहुंचे, और वो महात्मा के पास आकर पहुंचे तो महात्मा से को उन्होंने देखा तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी ईमेल को यूज कर रहा था। तो ईमेल को यूज करते करते तो उसके पास आकर बैठ गए। जैसे ही उसने अपना कार्य खत्म किया तो उन्होंने पहला प्रश्न महात्मा से ये पूछा, महात्मा तो हम भी प्यारे बाबा के बच्चे हैं ना, तो उनसे ये पूछा कि क्या एक महात्मा को ईमेल यूज करनी चाहिए। तो उसने बहुत मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला कि आप ईमेल यूज कर सकते हो जब तक आप के अटैचमेंट्स उसमें नहीं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अपने जीवन में सब चीजों को यूज करें। बाबा कहता है साधनों को यूज करो, साधन बाबा ने बच्चों के लिए बनाए हैं, लेकिन उन साधनों की वजह से हमारी साधना भंग हो ये उचित नहीं है। उन साधनों को हम अपनी साधना का आधार ना बनाए। अगर साधन जैसे व्हाट्सएप है, हमारे मोबाइल फोन है, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी, आज बाबा के यज्ञ में हम अपने यज्ञ में ये देखते हैं कि बहुत बहुत मेजर हमारी उड़ान में रुकावट का एक मेजर कारण है, वो है व्हाट्सएप और ये मोबाइल फोन। पूरे दिन मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से बाबा के बच्चे अगर जुड़े रहते हैं तो वो भी हमारे योग में एक बहुत बड़ी रुकावट डालता है। मैं कई बार देखता हूँ कि मॉर्निंग अमृत वेले बाबा के बच्चे और अमृत वेले उठते ही वो फेसबुक या व्हाट्सएप पर अलग अलग मैसेजेस करना आरंभ कर देते हैं। बाबा के समय पर ये चीजें कभी भी नहीं थी, और ये सुविधाएं हमारे लिए हैं अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स, अच्छी क्लासेस को सबको पहुंचाने के लिए और सुनने के लिए। लेकिन हर पल
अगर हम अपने जीवन में टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे, अगर हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट टेक्नोलॉजी और साधनों से रहेगा, तो हम बाबा से अपने आप को कैसे जोड़ पाएंगे। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर रूप से कहा था कि अभी तो आपके पास साधन है, अभी तो आपके पास घर से निकलने का समय भी है, लेकिन एक समय ये भी आएगा, और आज हम सबको ये अपनी स्मृति में रखना है कि एक समय ये भी आएगा जब ये साधन भी हमारे पास नहीं होंगे, जब ये हम अपने घर से बाहर निकलने की बात छोड़ें, बाबा ने कहा था आप खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। उस समय हमारे मन की स्थिति, हमारे मन का व्हाट्सएप, हमारे मन का फेसबुक, हमारे मन का जो टेक्नोलॉजी है, यही बाबा के साथ हमारा कनेक्शन और यही अन्य आत्माओं के साथ उनको साकाश देने का कार्य करेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब बाबा के बच्चे निर्बंधन, निर्व्यर्थ, निर्बोझ और निर्मोही भी बने। मोह हमको उड़ने नहीं देगा, हमारी उड़ान को आगे नहीं जाने देगा। पांचवा गुण जो एक महान योगी, एक फरिश्ते में होता है, जो बाबा ने ही कहा है, वो है निरंतर महादानी। निरंतर महादानी, निरंतर। हम बाबा के जो बच्चे हैं, हम महान योगी बच्चे हैं, हम महान तपस्वी बच्चे हैं। बाबा तो कहता है कि मैं परमात्मा हूं तो तुम भी मास्टर परमात्मा हो। बाबा ने हमको इतने ऊंचे स्वमान दिए। बाबा ने जब ये कह दिया कि जो मेरे गुण हैं वो सब गुण मेरे बच्चों में भी हैं, ये बाबा की हुज्जत है। बाबा कहता है मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूँ, मैं अपने बच्चों से दिल की बात करता हूँ। तो रोज अपने जीवन में आप अनुभव करें कि कौन हमसे बात कर रहा है। परमपिता परमात्मा रोज हमसे स्पेशली मिलने आता है, हमको लगातार खजाने अखुट दे रहा है। सबको तो देता है खजाने, लेकिन स्पेशल सेल किसके लिए खोलता है? हम बच्चों को स्पेशली ये सब चीजें देता है, हम बच्चों के लिए वो खजाने भरपूर करता है। जब हम बच्चे उन खजानों से भरपूर हो जाते हैं, तो बाबा कहता है जितना लूट सकते हो, जितना अपने जीवन में भर सकते हो भरो, और अन्य आत्माओं को बच्चों देते जाओ, मुझसे लेते जाओ और देते जाओ, लो और दो। ये कार्य निरंतर चलना चाहिए, निरंतर, बिना रुके, 24 घंटे। हमारी नींद भी इतनी पावरफुल और योगियों वाली होनी चाहिए कि नींद में भी, निद्रा में भी जब हम हों, तो वो भी एक प्रकार से समस्त आत्माओं को सुख और शांति का दान। बाबा की गोदी में जब हम सो रहे हों, तो हमारा एक एक संकल्प जो आत्माओं को सुख और शांति दे। तो निरंतर महादानी अर्थात मन, वचन और कर्म द्वारा लगा, आपका एक एक मन का जो विचार है, हमारा एक एक मन का जो विचार है, वो शक्तिशाली विचार है। आज ये बात समझना कि फरिश्ता जो होता है वो संकल्पों का गुलाम नहीं होता, वो संकल्पों का रचयिता होता है। हम बाबा के बच्चे अपने संकल्पों के रचयिता हैं। जैसे बाबा कहता है कि तुम संकल्प द्वारा सृष्टि रच सकते हो, तो सबसे पहले फरिश्ता अर्थात जो अपने संकल्पों को स्वयं रचेगा, वो चूज करेगा कि किस प्रकार के संकल्प उसके इस सोने के बर्तन में, इस मंदिर में आने चाहिए। जब संकल्प श्रेष्ठ होंगे, तो उसका एक एक संकल्प हर आत्मा को शक्ति का अनुभव कराएगा। आज सदा देखना है कि क्या मेरा एक एक संकल्प हर आत्मा को शक्ति का अनुभव कराता है। इसी प्रकार हमारे वचन, जब हमारे संकल्प शक्तिशाली हैं, तो हमारे वचन किस प्रकार होंगे? हमारे वचन भी श्रेष्ठ होंगे, ज्ञान युक्त होंगे, हर आत्मा को ज्ञान का दान करेंगे। मनसा द्वारा शक्तियों का ध्यान और वचन द्वारा ज्ञान का दान हम हर आत्मा को करेंगे, और कर्मों द्वारा हम हर आत्मा को गुणों का दान करेंगे। निरंतर महादान, हमारा एक एक कर्म हर आत्मा को सुख देने वाला होगा। हम अपने जीवन को रोज देखें, जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं या हम आश्रम पे रहते हैं,
चाहे हम बाबा के सरेंडर्ड बच्चे हैं, चाहे हम बाबा के प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन कहीं पर भी रहते हुए मन वचन और कर्मों के हम रचयिता हैं, हम मास्टर रचयिता हैं। जब हम मास्टर रचयिता का ये समान अपने मन में रखेंगे तो हम निरंतर महादान कर पाएंगे, चेहरे और चलन द्वारा महादान। कैसी भी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा जब हमारे समक्ष आएगी, आपने देखा बाबा के पास कोई भी आत्मा आती थी, किसी भी प्रकार की आत्मा आती थी, तो उसको उस स्वरूप का अनुभव होता था, वो उस बाबा के उस रूप में वो खो जाती थी, उसको वो चीज का अनुभव होता था कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये कोई आम कोई गुरु नहीं है, लेकिन ये भविष्य का वो प्रिंस है, इसके अंदर स्वयं परम पिता परमात्मा विद्यमान है। इतना श्रेष्ठ अनुभव बाबा हरेक को कराता है। तो जो आत्माएं बाबा की निरंतर महादानी होंगी, वो चेहरे और चलन द्वारा हरेक को दान करेंगी। तो हम प्यारे बाबा के बच्चे रोज चेकिंग करें कि हम निरंतर महादानी हैं। अपने परिवार में ही बैठे बैठे हम हरेक को दान कर सकते हैं, स्वयं को दान कर सकते हैं, और बैठे बैठे बहुत शांति से संकल्पों द्वारा उड़कर बाबा की गोदी में चले गए, बाबा को साथ लिया, अपनी भृकुटी की कुटिया में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को आह्वान करके अपने साथ बिठाया और एक रूहानी उड़ान पर जाकर बाबा के साथ हर आत्मा को हमने दान किया, हर आत्मा को श्रेष्ठ दान हम करते रहेंगे, तो निरंतर महादानी हम बाबा के बच्चे बन जाएंगे। इसी प्रकार जो बाबा के बच्चे फरिश्ते हैं वो निर्विकारी होंगे, निर्विकारी, निर्बंधन, निर्व्यर्थ, निर्बोझ, निर्मोही, निरंतर महादानी और निर्विकारी, निर्विकारी, क्योंकि यही हमारे फरिश्ते स्वरूप की यथार्थ पहचान है। आज बाबा ने क्या बोला, आज की मुरली में बाबा ने बहुत सहज रूप से और सुंदर रूप से स्पष्ट किया कि फरिश्ते बनने के लिए मूल आधार वो है पवित्रता, मूल पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता, बोल की पवित्रता, हमारे कर्मों की पवित्रता। एक एक संकल्प ऐसा जैसे कि सफेद कागज, बिल्कुल प्योर शीतल, ऐसा संकल्प हमारा होना चाहिए। एक बोल और कर्म असीम पवित्र और शक्तिशाली होना चाहिए। जब जिन बच्चों का ये फाउंडेशन, ये पावरफुल है, उड़ान भरने के लिए सबसे पावरफुल जो फाउंडेशन है वो है निर्विकारित, निर्विकारी जीवन होना ये अति 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 आवश्यक है। किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में विकार आएगा तो वो हमको उड़ने में रुकावट डालेगा। बाबा के जो फरिश्ता स्वरूप बच्चे होते हैं, जो पवित्रता की मूरत होते हैं, वही बच्चे हैं जिनका गायन है, जो कि लाइट और माइट का स्वरूप होते हैं, लाइट और माइट का स्वरूप, उनके चेहरे और चलन द्वारा सर्व आत्माओं को असीम लाइट का साक्षात्कार होता है, दिव्यता का साक्षात्कार होता है। बाबा ने आज बोला ना वरदान में, हर आत्मा को सशक्त, बिल्कुल पावरफुल, जैसे ये दिव्य आत्माएं हैं, ये परमात्मा के रूहानी एंजल्स हैं, और उनको शक्ति का अनुभव होगा कि इनके आगे आकर हमको महान शक्ति का अनुभव हो रहा है। इसके लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक बात है कि एक बहुत बड़ा शिप, बहुत बड़ा एक जहाज, इसमें हजारों लोग थे और वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ जहाज था, वो अपनी यात्रा पर जा रहा था। जब वो यात्रा पर जा रहा था तो उसने रात को चलते चलते कैप्टन ने देखा कि सामने दूर से एक और लाइट तेजी से चमक रही है। तो इस जहाज के कैप्टन ने उसको संदेश भेजा कि भाई हमारा शिप आगे आ रहा है और आप अपने शिप को सामने से हटा लीजिए। तो उधर से संदेश आया कि मैं अपने आप को यहाँ से नहीं हटा सकता हूँ। तो उस जहाज का जो कैप्टन था वो गुस्सा हो गया और उसने फिर उस जहाज को, उसको लाइट को संदेश भेजा कि हमारा जहाज बहुत बड़ा जहाज है और यदि हमारा जहाज आगे आया कि ये आपको विध्वंस कर देगा, आपको हटना ही होगा, आप वहां से हट जाइए।
तो उधर से फिर मैसेज आया कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हट सकता हूँ, आपको ही अपना मार्ग चेंज करना पड़ेगा। तो इस जहाज से फिर मैसेज गया कि हम आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं कि आप फटाफट हटिए, वरना हमारा जहाज बहुत तेजी से, जो बहुत बड़ा जहाज है, इस लाइट की तरफ आ रहा है। तो उस लाइट से फाइनल मैसेज आया कि मैं लाइट हाउस हूं, मैं यहां से नहीं हिल सकता हूं, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, और यदि आप यहां पर आए तो आपका यहां आते ही आप विध्वंस हो जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और जैसे ही ये मैसेज गया और उस जहाज के कैप्टन को मैसेज मिला, उसने फटाफट अपने आप को बचाने के लिए अपना मार्ग चेंज कर लिया। तो प्यारे बाबा के बच्चे, जब हमको जीवन में परिस्थितियां आती हैं जो एक बड़े शिप, एक जहाज की तरह आती है, वो हमारे फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करेंगी, वो हमको, हमारे फाउंडेशन को कभी ना कभी टेस्ट करेंगी। लेकिन हम बाबा के ऐसे रूहानी बच्चे हैं, फरिश्ता बच्चे हैं, जिनका फाउंडेशन पावरफुल है, अचल और अडोल है। अगर हम निर्विकारी जीवन के बच्चे हैं, अगर हमारे जीवन में पवित्रता का फाउंडेशन बहुत पावरफुल है, तो हम अचल और अडोल होंगे, कोई भी बात हमको जीवन में हिला नहीं सकती है। तो छठा जो गुण है वो है निर्विकारी जीवन। सातवीं बात जो फरिश्ता बनपन अनुभव करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो बाबा के बच्चे फरिश्ता स्वरूप हैं, वो निश्चल होंगे और निर्मल होंगे। निश्चल, छल की इतनी भी मात्रा नहीं, सोचा कुछ, करा कुछ, बोला कुछ, इतना संकल्प मात्र में भी स्वयं को भी हम छल लेते हैं। आज बाबा के हम कई बच्चे होंगे, अपने आप को ही हम लोग छल लेंगे कि हम पुरुषार्थ तो कर लेंगे, कल से हम कर लेंगे, हम अगले पल से कर लेंगे। और बाबा कहता है, ये भी बाबा दूर से मुस्कुराते हुए कहता है कि बच्चे, ये भी तुम अपने आप को छल रहे हो, मैं तो भूलों का बच्चा हूँ, भूलों का भगवान हूँ। तुम सदा निश्चल होकर संकल्पों में भी अपने आप से भी सच्चे रहो और अन्य आत्माओं और बाबा से भी सच्चे रहो। अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा, कोई बाबा का बच्चा हमको नहीं भी देख रहा है, तो सदा ये देखना है कि बाबा की नजर हम बच्चों पर है, क्योंकि हम उस बाबा की डायरेक्ट रचना है। आप एक एक बच्चा जो आज हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ा है, आप बाबा के डायरेक्ट रचना है, किसी और की रचना नहीं है। बाबा ने स्वयं अपनी नजर आपके ऊपर डाली है। तो आप सोचो, परमात्मा की नजर यदि हमारे ऊपर है, जैसे वो लोग लिखते हैं ना कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो सदा अपने ऊपर ये अनुभव करें कि हम परमात्मा की नजर में हैं, परमात्मा हमको देख रहा। निश्चल मन होना चाहिए, इतना भी छल हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आठवीं बात जो बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कि बाबा के जो फरिश्ता स्वरूप बच्चे होंगे, वो निर्मल और निर्वैर होंगे। निर्मल जीवन, एक शुद्ध झरने की तरह, एक शीतल झरने की तरह, कल कल करते हुए जो झरना जाता है, पवित्र पानी का जो झरना है, उसकी तरह उनका स्वभाव बहुत सरल और निर्वैर होगा। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी प्रकार का वैर और भाव, द्वेष उनके जीवन में नहीं होगा। आज हम बाबा के बच्चे, हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बाबा ने आज हम सबको ये बहुत सुंदर चांस दिया है, बहुत सुंदर चांस दिया है कि हम अपने पुरुषार्थ को बहुत तेज आगे बढ़ा सकते हैं, आगे एक्सेलरेट कर सकते हैं। और जब एक्सेलरेट करने का ये सुंदर मौका हमको मिला है, तो ऐसे समय पर परिवार के प्रति, आत्माओं के प्रति, अन्य आत्माओं के स्वभाव संस्कार के प्रति, ब्राह्मण जीवन में भी कई बारी हम लोग देखते हैं, कई बारी ऐसी आत्माएं हमारे जीवन में हमारे सामने आती है, उनकी छोटी छोटी बातों को हम अपने स्वभाव में रख लेते हैं, अपने मन में हम उनके लिए कोई ना कोई बात रख लेते हैं, और फिर हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को एक संकल्प चलता है,
मेरे को एक बात अपने मन में संकल्प आता है। तो ये जो शब्दों का खेल जो हम खेलते हैं, जो शब्दों की भाषा हम परिवर्तित करते हैं, जिसको हम मिठास रूप से देखे वही नेगेटिव भावनाएं अपने मन में लाते हैं, ये स्वयं को छलना है और ये स्वयं और अन्य आत्माओं के प्रति वैर की भावना है। तो मेरे प्यारे बाबा के बच्चों, हम सब बाबा के रूहानी फरिश्ता स्वरूप बच्चे हैं। हमारा जीवन, हमारा संकल्प, एक एक संकल्प बहुत निश्चल, बहुत निर्मल और बहुत निर्वैर होना चाहिए। फरिश्ता जिसका किसी से कोई भी भाव, कोई भी नेगेटिव भाव हो ही नहीं सकता। जब संकल्पों में ही किसी से वैर नहीं है, तो मुख पर और बातों पर और कर्मों पर वैर आने की बात हो ही नहीं सकती है। ये है यथार्थ जीवन में निश्चल, निर्मल और निर्वैर। हमने अपनी दादियों को देखा, अपने बड़े भाइयों को देखा, कैसे मुझे आज भी ध्यान आता है हमारे जो दादा बड़े बड़े भाई होते थे यज्ञ के, कितना सुंदर रूप से उन्होंने अपने जीवन को निश्चल और निर्मल बनाया। सब कार्य करते हुए भी अपने आप को बाबा को समर्पण किया। दादियों को आप देखो, कितने प्रकार की आत्माएं, अनेकों अनेक आत्माएं उनके पास आती थी, ब्रह्मा बाबा के पास आती थी, अलग अलग स्वभाव की आती थी, लेकिन सबको शिक्षाएं देते हुए, सबको सब बात सिखाते हुए भी अपने मन में उनके लिए कोई भाव नहीं रखना, उनकी नेगेटिव भावनाओं को सुनते हुए भी अपने मन में स्थान ना देना, ये है यथार्थ रूप से निर्वैर और निश्चल बनना। ये है बाबा की दी हुई हम सब बच्चों को बहुत श्रेष्ठ मंजिल। हमको किसी भी आत्मा का कोई गवर्नर या जज नहीं बनना है। जज केवल अपने स्वभाव का करना है। बाबा ने हमको कभी भी लॉ उठाने का मार्ग या हमको कोई हुक्म नहीं दिया है। हम बाबा के रूहानी बच्चे हैं, हम लॉ अपने स्वयं के लिए यूज कर सकते हैं। फरिश्ता सदा अपने जीवन में स्वयं की चेकिंग करेगा कि हर आत्मा के प्रति मैं निश्चल हूँ, हर अपने आत्मा के प्रति अपने स्वभाव में मैं किसी भी प्रकार के वैर और द्वेष और ईर्ष्या का भाव नहीं लाता हूं। ये बहुत आवश्यक है। आठवीं बात जो फरिश्ते की बहुत सुंदर पहचान है, जो एक यथार्थ पहचान है, वो है फरिश्ता अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चिंत आत्मा। सदा निश्चय बुद्धि, फरिश्ता निश्चिंत है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा जब यज्ञ में उन्होंने समर्पण किया, तो शुरू में कितनी दादियां, जब छोटी छोटी बच्चियां थी, उन्होंने वहां पर आई, उनको यज्ञ के जो बाबा ने एक ग्रुप बनाया था, वो मंडली का जिसको नाम दिया था, उन बच्चों को कितनी रॉयल पालना मिली। उनका पांव भी जब जमीन पर पड़ता था तो बाबा उनको स्पेशल पालना देता था, काजू बादाम सारी चीजें की ये बाबा ये आगे के भविष्य प्रिंस हैं, इनका मुझे कितना ख्याल रखना है। तो बाबा ने उनको एक्यूरेट पालना देते हुए उनको वो ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। लेकिन इसी के साथ साथ बाबा ने टेस्ट पेपर भी लिए। यज्ञ में ऐसा भी समय आया जब यज्ञ में बेगरी पार्ट चला, यज्ञ में एक रुपया दो रुपये की भी बात आप छोड़ें, लेकिन आप देखेंगे कि यज्ञ में जब सवेरे बच्चों के लिए चाय या कुछ बनता था, तो दोपहर के भोजन के लिए एक दाना भी यज्ञ में नहीं होता था। और आप सोचो, इतने यज्ञ के बच्चे और यज्ञ रक्षक बाबा वहां पर बैठे हुए हैं, मम्मा बैठी हुई हैं, लेकिन बाबा को कभी भी संकल्प नहीं आया, कभी भी मन में एक भी दिन संकल्प नहीं आया कि कुछ होगा। और किसी दिन जब एक बारी की बात है कि बाबा जब मुरली चला कर चुके, तो बाबा ने मम्मा को बुलाया और मम्मा को कहा कि मम्मा आज बाबा बच्चों को हलवा खिलाएगा। तो बाबा कहता है कि मम्मा जाओ किचन में जाकर हलवा बनाओ। तो मम्मा का जो एक बहुत सुंदर नेचर था, जो आज हम सुनते भी हैं, और मम्मा का ये बहुत सुंदर महापुरुषार्थ के लिए चल भी रहा है हम बच्चों के लिए, तो मम्मा का था हाँ जी बाबा। तो मम्मा ने, जैसे मामा का स्वभाव था, मामा ने कहा जी बाबा, और मम्मा ने कहा कि बाबा बेटा है, सब बढ़िया होगा। मम्मा को पता था कि हलवे की बात छोड़ दीजिए, वहां तो एक दाना एक बूंद घी का भी नहीं है।
और कुछ ही समय बाद जैसे 11-12 बजे कहीं से कुछ मनी ऑर्डर आया और मम्मा ने फटाफट एक बच्चे को भेजा और सामान मंगवा कर बच्चों को मंगवा कर दोपहर में बाबा ने जैसे कहा था बच्चों को हलवा खिलाया। लेकिन संकल्पों में भी निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहना, ये है एक फरिश्ते की पहचान। बाबा ने हम बच्चों को कह दिया है, बाबा ने ऐलान कर दिया है कि बच्चे, जो बच्चे अपने फाउंडेशन में मजबूत होंगे, जो बच्चे बाबा के साथ निश्चल होंगे, जो बच्चे सदा बाबा के साथ ऑनेस्ट होंगे, आप जैसे बच्चे जो रूहानी कमांडोज हैं, सदा बाबा के साथ जिनकी तार जुड़ी हुई रहेगी, तो बाबा का वायदा है कि बाबा उनको कुछ भी खिलाए या ना खिलाए, लेकिन बाबा सदा उनको जीवन में, सदा उनको जीवन में दाल और रोटी जरूर देगा। हो ही नहीं सकता कि बाबा के बच्चों को दाल रोटी नहीं मिले, छप्पन भोग ना मिले, लेकिन बाबा का वायदा है कि वो कहीं से भी लाकर अपने बच्चों को भोजन खिलाए। तो जो बाबा के फरिश्ता स्वरूप बच्चे हैं वो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होते हैं। जैसे ही निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हैं, इसके लिए इसका अर्थ है कि हम जिम्मेवारी से मुक्त हैं। जिम्मेवारी किसकी है? ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा कि मैं थोड़ी ना यज्ञ को चला रहा हूं, ये यज्ञ तो सुप्रीम बाबा का, परमपिता परमात्मा का है, मैं तो केवल निमित्त हूं, मैं तो एक बच्चा हूं उसका, ये तो पुराना शरीर उसने लोन में लिया है। इसी प्रकार से हम बाबा के प्यारे बच्चे जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए। और इसका सहज साधन है कि अपने घर को, जिसको हम कहते हैं कि जी हम अपने घर में रहते हैं, जी हमने अपने घर में ये बनाया, हमने अपने घर में ये किया, तो इसको एक सुंदर रूप से हम परिवर्तित कर देते हैं कि हम बाबा के घर में रहते हैं। ये बाबा का घर है, मेरा घर नहीं है, ये बाबा का धन है। जिस घर में हम रहते हैं ये बाबा का घर है, जिस किचन से हम भोजन खाते हैं वो बाबा का भंडारा है, शिव भोलेनाथ का भंडारा है। चाहे अन्य आत्माएं हमारा को सपोर्ट ना भी दें, लेकिन फिर भी हम फरिश्ता स्वरूप आत्माओं का ये यथार्थ पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित कर दें और जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए। बाबा को दे देंगे तो बाबा वही चीज हमको देगा कि बच्चे मैं बैठा हूं ना, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, लेकिन तू यथार्थ रूप से इसको चला, इस यज्ञ को, इस अपने प्यारे घर को चला। तो फरिश्ता अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चिंत, कोई भी चिंता किसी भी प्रकार की नहीं। हमने भी अपने जीवन में देखा अनेकों अनेक प्रकार की परीक्षाएं आई, सब जगह से चैलेंजेस आए, लेकिन कुछ भी हो जाए बाबा ने बहुत सहज रूप से निश्चय बुद्धि और निश्चिंत बनाया। हमने बाबा को समर्पण किया और बाबा ने कहा बच्चे मैं बैठा हूँ, बच्चे मैं तेरे लिए सब कार्य करूंगा, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, बाबा तेरे लिए बैकबोन की तरह बैठा है, तो उसको अनुभव करें। कहते ना भाई ये तो उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह है, तो आप सोचो कि हमारे संकल्पों में, हमारे जीवन की भी जो रीढ़ की हड्डी, जो हमारा फाउंडेशन है, वो कोई और नहीं, वो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, हमारा बाबा है। और नौवीं बात जो फरिश्ता स्वरूप स्थिति के लिए बहुत आवश्यक है वो है फरिश्ता अर्थात निमित्त आत्मा। हमारे जीवन में यदि जरा सा भी हमको कर्तापन का भान आता है कि मैंने किया, मैंने इस कार्य को कर लिया, ये सेवा मैंने की, आज मेरे द्वारा इतनी इतनी आत्माओं की सेवा हो रही है, इतनी आत्माओं को ये मैसेज जा रहा है, तो जहां कर्तापन का भान आता है तो बाबा कहता है मुझे किसी भी आत्मा का मैं स्वीकार्य नहीं है। दादियों को देखा, मुझे आज भी ध्यान है कि बड़ी दादी के पास हम जाते थे तो प्रकाशमणि दादी हमेशा, कभी भी उन्होंने, दादी ने ये वर्ड यूज ही नहीं किया कि मैंने किया, तो हमेशा कहती थी देखो बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। और उनका निमित्त भाव है, मुझे ध्यान है कि जब ज्ञान सरोवर बनना था और हम लोग मार्च करके पैदल चल के उस पहाड़ी रास्ते पर हम लोग गए थे, तो मैं एक छोटे से, हम लोग बच्चे ही थे और हम सोचते थे कि यहाँ पर बाबा कुछ बनाएगा, कैसे हो सकता है, इसके लिए धन कहाँ से आएगा और पहले तो यहाँ पर बनेगा भी कैसे,
और दादी उस समय कहती थी कि अरे बाबा का कार्य है, बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है, बाबा कराएगा। और निमित्त कर्तापन का भान ना आने के कारण दादी ने लिखा कि मेरे बच्चे, बाबा के बच्चे जो हैं, वो सब बच्चे एक एक रुपया रोज इकट्ठा करेंगे। और आप देखो कि एक एक रुपया इकट्ठा करते करते आज बाबा ने वहां पर उस जंगल में मंगल लगा दिया है, जहां करोड़ों आत्माओं का, लाखों नहीं लाखों करोड़ों आत्माओं को बाबा का संदेश मिल रहा है। क्यों? कर्तापन का भान नहीं, बाबा ने कराया। रोज अपने जीवन में हम फरिश्ता स्वरूप में यही अनुभव करें कि बाबा करा रहा है, बाबा ने हमारे द्वारा कराया है, हम नहीं, हम तो केवल बाबा के निमित्त बच्चे हैं, बाबा हमारे द्वारा करा रहा है। कभी इस बारे में हम और चर्चा करेंगे। और आखिरी बात जो फरिश्ता स्वरूप स्थिति के लिए बहुत आवश्यक है, वो है निर्माण भावना। निर्माण फरिश्ता अर्थात जिसको संकल्पों में भी अभिमान और अपमान की भावना ना हो। जहां मुझे अपने जीवन में ये बहुत सूक्ष्म और पावरफुल पुरुषार्थ है, मैं आज भी अपनी अगर चेकिंग करता हूं तो ये बात कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में जरूर चेकिंग करनी है। किसी भी व्यक्ति के भाव स्वभाव, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं से कहीं हमको जीवन में अभिमान और अपमान की भावना तो नहीं आती। फरिश्ते को कभी भी अपमान और अभिमान की भावना, जहां अभिमान और अपमान है वहां हम लोग उड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए बहुत निमित और निर्माण होकर हमको कार्य करना है। कर्तापन का भी भान नहीं, हमको बाबा ने सम्मान दिए हैं, रोज बाबा हमको सम्मान में टिकाता है। बाबा कहता है आप बच्चे इष्ट देव हो, आप बच्चे मास्टर रचयिता हो, आप बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर हो, आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप बच्चे मास्टर गुणों के सागर हो। ये हमारे सम्मान है। जब परम पिता परमात्मा हमको समान में स्थित कराता है, उस ऊंचे तख्त के आसन पर हमको बिठा देता है, तो अपमान की भावना हमको कैसे आ सकती है, किस प्रकार से आ सकती है? तो प्यारे बाबा के मीठे मीठे बच्चों, एक बात सदा ध्यान रखना कि मुझे ध्यान है कि आज से हम कई 8-9 साल पहले हम लोग लेह और लद्दाख, तो बहुत अंतिम समय पर, एंड समय पर जाकर हमने वहां पर देखा, तो बॉर्डर पर हमने उन सिपाहियों को देखा। तो मैंने उनसे अलग से पूछा कि आप लोग जब सोते हैं तो आप कैसे सोते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम पूरी ड्रेस पहनकर, जूते पहनकर, सब कुछ पहनकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी घंटी बज जाएगी और हमको इतना भी समय नहीं मिलेगा कि हम लोग कपड़े पहने या जूते पहने या तैयार होकर जाएं, हमको एवर रेडी होकर चलना होता है। तो जब हम पावर ऑफ सकाश में एक दूसरे को रूहानी कमांडोज कहते हैं, यही कहते हैं ना हमारे शक्ति भाई, हमेशा यही इंट्रोड्यूस करेंगे कि रूहानी कमांडोज हैं, तो हम बाबा के बच्चे भी सदा इन गुणों की ड्रेस पहनकर एवर रेडी रहें। सदा फरिश्ता स्वरूप स्थिति के अंदर ही हम लोग सोएं, उसके अनुभव में हम पूरा दिन चलें कि जिस दिन बाबा का हमको मैसेज आया कि बच्चे मेरे पास आ जाओ, बच्चे आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो हम ये नहीं कहें कि बाबा रुक जाओ जरा मैं निर्मल बन जाऊं, बाबा रुक जाओ जरा मैं एक बंधन को और काट लूं, बाबा को बाबा ने कहा और हम कहें जी बाबा हम उड़कर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि हम तो कमांडोज हैं और हम एवर रेडी बच्चे हैं। तो फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, फरिश्ता अर्थात निर्बोझ, फरिश्ता अर्थात निर्मोही, फरिश्ता अर्थात निरंतर महादान, फरिश्ता अर्थात निरंतर निर्विकारी, फरिश्ता अर्थात निर्व्यर्थ, फरिश्ता अर्थात निश्चल, फरिश्ता अर्थात निर्मल, फरिश्ता यानी निश्चय बुद्धि और निश्चिन्न, फरिश्ता अर्थात निमित और निर्माण आत्माएं। ऐसे बाबा के बच्चे हम हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे अब बाबा की इस प्यारी याद में हम चलेंगे, एक सुंदर यात्रा पर हम लोग चलेंगे, और इस समय सभी प्यार से उस बाबा की याद में हम खो जाएंगे और इसका अनुभव हम लोग करेंगे। एक बहुत सुंदर गीत बजेगा और उस गीत के बाद एक कमेंट्री के द्वारा जैसे जैसे हम बात करेंगे,
उस स्वरूप को आप इमर्ज करना और इमर्ज करके उस सुंदर यात्रा पर हम सब बाबा के पास उड़ जाएंगे। ओम शांति। रहता परम सितारा बेहद सुकून महा।
शांति मन स्थिर अपना सारा ध्यान अपनी की ओर लेकर जाए, जैसे एक सुंदर मंदिर में एक मूर्ति स्थापित है, इसी प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर में के मध्य में चमकती हुई शक्तिशाली पवित्र मैं आत्मा हूं। जैसे सीप के अंदर एक सुंदर मूर्ति, इसी प्रकार एक शक्तिशाली और पवित्र आत्मा है। संपूर्ण ज्ञान राजा बनकर अपने प्रकृति के सिंहासन पर बैठा हूं, अनुभव करें एक सम्राट रूप में मेरे आगे मेरे दरबारे मेरा मन मेरी बुद्धि मेरे संस्कार और उनके कर्मचारी पांचों कर्मेंद्रियां मेरे समक्ष हैं। मालिक मैं हूं, एक मिनट कंप्लीट साइलेंस में अनुभव करें अपने मन बुद्धि जानी को अपने अनुसार मैं आत्मा चलाती हूँ। योगियों ने भी महायोगी, ऋषियों ने भी राज ऋषि, तपस्वियों ने भी महातपस्वी। भाई साहब एक मिनट आवाज म्यूजिक बंद कर दीजिए, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, म्यूजिक बंद कर दीजिए।
योगियों में भी, महायोगी तपस्वियों में भी, महातपस्वी ऋषियों में, राज ऋषि, इतनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली मैं आत्मा हूं। अनुभव करें अपनी शक्तियों का, अपने स्वरूप का, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही, शक्ति मेरे पास है। अपना संपूर्ण स्वरूप अपने सामने लाएं और उड़ चलें धीरे धीरे अपने प्यारे घर में, जहां प्यारे बाबा ने, मम्मा ने, बड़ी दादियों ने अपना पार्ट बजाया था, जो उनकी कर्म भूमि है, जो उनकी लीला भूमि है, जो महान तपस्वी भूमि है, जो शांति भूमि है, जो शक्तियों से परिपूर्ण भूमि है, जो पवित्रों में भी महापवित्र स्थान है, तीर्थों में भी महातीर्थ है, अरावली पहाड़ों के बीच मेरे प्यारे अब्बा का घर, मेरे प्यारे बाबा का घर, मेरा मधुबन पहुंच गए हम सब बाबा के घर में। ये हमारे प्यारे बाबा का घर है। अनुभव करें अपने आप को, देखें वही बाबा की प्यारी शिक्षाओं से गूंजती वादियां, बाबा के प्यार के बहते हुए झरने, बाबा के साथ खेलते हुए हम बच्चे, वो सुंदर पल, वही सुंदर स्थान जहां बाबा ने अपने सब पार्ट बजाए, स्मृति में लाए अपने सामने, देखें मेरा हाथ बाबा के हाथ में, प्यारे ब्रह्मा बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे धीरे धीरे पांडव भवन में अंदर बाबा ले गए। असीम आनंद की अनुभूति मुझ आत्मा को हो रही है। कोई भावनाएं, कोई शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकते। धीरे धीरे पांडव भवन में जाते हुए शांति स्तंभ पर मैं बाबा का बच्चा आकर खड़ा हुआ हूं। अनुभव करें
ये वही स्थान जहां बाबा बच्चों के साथ खेला करते थे, ये वही श्रेष्ठ स्थान जहां बाबा बच्चों के साथ पिकनिक करते थे और बाबा की सर्व स्मृतियों को सामने झलकाता हुआ ये सुंदर शांति स्थान बाबा की बात, बाबा की वाणी आज मुझे स्मृति में आ रही है कि बच्चे जब भी शक्तिशाली बनना हो तो मेरे शांति स्थान पर आ जाओ। मैं बाबा के शांति स्तंभ पर खड़ा हुआ हूं, आंखों में अश्रु धारा, दिल में बाबा के लिए प्यार, कल्प कल्प की यादें, वही शिक्षाएं, वही दिन 18/1/69 बाबा का मुझे कहना कि बच्चे याद की यात्रा पर रहना, पवित्र बनना, बच्चे अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारना, बाबा की सारी शिक्षाएं शक्ति रूप में मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है, अनुभव करें। शक्तिशाली मैं आत्मा हूं, असीम शक्तिशाली। बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समाकर मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव मुझे करा रही है। प्यारे बाबा का मुस्कुराता हुआ वो चेहरा आज भी मुझे स्मृति में आ रहा, शक्तियों से भरपूर कर रहा है। धीरे धीरे अनुभव करें, शांति स्तंभ से मैं आत्मा बाबा के ज्ञान भूमि की तरफ जाती हूँ। बाबा का वो प्यारा हिस्ट्री हॉल, वही संदली, वही बाबा की रोज मीठी मुरली, वही बाबा का सवेरे आना बच्चों के लिए ज्ञान अमृत पान कराना, बच्चों को पावरफुल बनाना, बाबा की बात आज भी मुझे स्मृति में आती है कि बच्चे यदि व्यर्थ का अनुभव करो, व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। एक एक महारथी देखें बाबा के साथ पूजन, बाबा के वो आदि रत्न, वो संपूर्ण रत्न जिन्होंने अपना सर्वस्व इस यज्ञ में हड्डी हड्डी नौछावर किया है, अंदर बाबा के पास बैठते ही सब व्यर्थ संकल्प
वे संकल्प बाबा ने मुझसे खींच लिए हैं। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्चे तुम समर्थ आत्मा हो, अनुभव करें एक मिनट के लिए मेरे मन से एक एक व्यर्थ संकल्प सदा के लिए समाप्त हो रहा है। परमात्मिक प्यार, बाबा की वो दृष्टि, वो वाइब्रेशंस मेरे मन को संपूर्ण साफ कर रहे हैं। चमकता हुआ मेरा स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने है। मैं व्यर्थ मुक्त आत्मा हूं, अनुभव करें धीरे धीरे इस हिस्ट्री हॉल से बाहर निकलकर मैं बाबा के कमरे की ओर जाता हूं। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है और बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें मेरे समान बनना है, और जब भी बाबा के समान बनना है तो बाबा के कमरे में आकर बैठ जाओ। यही वो बाबा का कमरा जहां परमपिता परमात्मा ने मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा द्वारा नए विश्व की रचना की नींव डाली, नए संसार की नींव डाली, नए संकल्पों की नींव डाली, नए विचारों की नींव डाली। बाबा की वो दृष्टि, बाबा का वो भोला सा चेहरा और उसके बीच में विराजमान सर्वशक्तिमान शिव महाज्योति पावरफुल दृष्टि मुझे दे रहे हैं। अनुभव करें, नम आंखों के साथ मन से यही संकल्प कि बाबा ये जीवन, ये संकल्प, ये तन मन धन सब तेरा, आज से जो तेरे संकल्प वो मेरे संकल्प है, जो तेरा कर्म है वही मेरा कर्म है, जो तेरे विचार वही मेरे विचार है, जो तेरा स्वभाव बाबा वही मेरा स्वभाव है। समानता का अनुभव, ऐसा अनुभव करें जैसे बाबा आपके सामने आ गया है, बैठा है बाबा, आपको अपने हाथों से खिला रहा है, अपने हाथों में हाथ देकर बाबा ने आपको गोदी में लिया, समा जाए उसके प्यार में। इसी समाने में समानता है। मैं बाप समान आत्मा हूं, परमात्मा की रचना हूं। धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल मैं बाबा की उस कुटिया पे जाता हूं।
वही जगह, वही वादियाँ, बाबा का वही झूला, वही कच्ची झोंपड़ी जहाँ बाबा रोज मुझे खत लिखते थे। बाबा का खत, शिक्षाओं भरा खत, बाबा का वो खत, वो लेटर जिसमें बाबा मेरे जीवन में उमंग और उत्साह भर देते थे। एक नए जोश का अनुभव होता था, एक संपूर्ण नई शक्ति का अनुभव होता था। अव्यक्त बाबा के महावाक्य कि बच्चे जब भी मन उदास हो तो आ जाओ बाबा की कुटिया में, बाबा से रू रेहान करने। मैं आ गया बाबा की कुटिया में, अपने दिल की समस्त बातें बाबा को बता रहा हूँ। बाबा मेरे साथ बैठे हैं, बाबा प्यार से मेरी बात सुनते हुए मेरे सर पर अपना हाथ रखते हुए मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। अनुभव करें बाबा की वो रूहानी दृष्टि, वो संपूर्ण बनाने वाली दृष्टि, जीवन को खुशियों से भरने वाली दृष्टि। बाबा का ये संग समस्त नकारात्मकता, मेरे जीवन का दुख जो मैं सोचता था, इस दृष्टि ने संपूर्ण खींच लिया है। मैं उड़ने को तैयार हूं। मीठे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बच्चे आओ चलें फरिश्ता बनके अपने सूक्ष्म वतन की ओर। अनुभव करें अपने अंतर्वाहक शरीर द्वारा आपका संपूर्ण स्वरूप, देखें अपना फरिश्ता स्वरूप अपने सामने ना करोड़ कर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में मैं आत्मा पहुंच गई। अव्यक्त बाबा की वो दृष्टि मुझे भरपूर कर रही है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मुझे आत्मा पर रख दिया है। शक्तियों का प्रभाव, एक करंट की बात है, मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है। प्यारे बाबा आज भी मेरे साथ हैं। अनुभव करें बाबा के समक्ष मैं फरिश्ता स्वरूप में खड़ा हूं। मेरा हाथ बाबा के हाथ में, असीम शांति, सुख और आनंद का ये पल, ये जीवन, ये अनुभूति जिसके लिए मैंने कल्प कल्प सालों साल बाबा का इंतजार किया, आज ये पल मेरे सामने है।
दृश्य दृष्टि के लिए, जिस हाथ के लिए आत्माएं तरसती हैं, वो हाथ मुझे अपनी बाहों में भर रहे हैं। अनुभव करें। ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं उड़ चला फरिश्ता, संपूर्ण इस ग्लोब की आत्माओं को साकाश देने के लिए। तरसती हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं, परेशान आत्माएं, पुकारती आत्माएं इंतजार कर रही हैं कि फरिश्ते आएंगे और उनको सुकून और शांति देकर जाएंगे। बाबा के साथ बैठकर समस्त शक्तियां बाबा से लेकर मैं विश्व की एक एक आत्मा को सुख और शांति के ये वाइब्रेशंस दे रही हूं। जैसे सूखे हुए कुएं में पानी की कुछ बूंद, जैसे रेगिस्तान के प्यासे को जल का कुछ उन, इसी प्रकार तरसती हुई आत्माओं को सुख और शांति की अंजलि प्राप्त हो, वो पुलकित हो बैठी है, अनुभव कर रही हैं कि परमपिता परमात्मा विश्व का पिता उनके लिए आ गया है। हम फरिश्ते बच्चे, हमारे द्वारा विश्व का उद्धार, नव विश्व की निर्माण करने के लिए आया है। असीम शांति का, शक्ति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का, सब शक्तियां बाबा से लेकर मैं विश्व की आत्माओं को रेडिएट कर रही हूं। मैं कर्म योगी हूं, राज योगी हूं, महान योगी हूं, राज ऋषि हूं, बाबा के दिल का नूर हूं, बाबा के दिल का गुलाब हूं, बाबा के दिल का हीरा हूं, बाबा के दिल की आश हूं, बाबा मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं फरिश्ता हूं। इसी अनुभव में स्थित रहकर धीरे धीरे मैं फरिश्ता अपने इस मंदिर रूपी चोले में आकर विद्यमान हो जाता हूं। चमकता हुआ वो हीरा इस शरीर रूपी मंदिर में विद्यमान है, लेकिन अब ये फरिश्ता स्वरूप में है। प्यारे बाबा, आज से मेरा हर कर्म
मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल आपको अनुसार है, आपको समर्पित है, आपके समान है। क्यों भाई साहब, सभी फरिश्ते बिल्कुल उड़ रहे हैं और फ्लाइट तो हमने ऐसी ली कि पूरे आज हम पूरे चार धाम की सैर की और प्रैक्टिकल में सभी को ऐसा लग रहा है कि हमने मधुबन की सैर की, बाप दादा की वरदानों को अपने अंदर भरा, परमधाम गए, सकाश दी और जो आज की क्लास थी बहुत ही डीप और जो फरिश्ते की जो उड़ान हमने जो आज की, फ्लाइट ऑफ एन एंजल, इट्स अल्टीमेट अमेजिंग माइंड ब्लोइंग, बहुत ही गहराई और बहुत ही गहनता से आपने आज सभी को अनुभव कराया और सभी के दिल के उद्गार भी। भाई साहब सबसे पहले तो मैं बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से और सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने इतना अमूल्य समय दिया। आप बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और आपने अपनी इतनी व्यस्तता के होने के बावजूद भी आपने इतना समय दिया, तो निश्चित तौर पर हम अपने दिल की अनंत गहराइयों के साथ इतनी दुआएं देते हैं भाई साहब, ऐसे ही आप सदा सभी जितने भी बाबा के रूहानी कमांडो हैं, रूहानी फरिश्ते हैं, उनकी ऐसे ही दिव्य बाप दादा ने जो, दादियों ने जो आपको पालना दी है, उस पालना का प्रत्यक्ष सबूत, प्रत्यक्ष प्रमाण और आपने जो अपने जीवन में अनुभव किया वो अनुभूति सबको शेयर करते रहे। बहुत सारी आत्माएं अभी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं और दिल के धन्यवाद दे रहे हैं, उनके भी दिल के उद्गार आप स्वीकार करिए भाई साहब। तो जितनी भी आत्माएं हैं, हमारे महान तपस्वी बाबा के नूरे रतन, हमारे आदरणीय, हमारे अति स्नेही मोहित भाई जी के लिए आपने, आपके दिल में क्या उद्गार, आपको क्लास कैसी लगी, आपको आज क्या अनुभव हुआ, अपने दिल के उद्गार, अपने दिल की भावनाएं, आप कनेक्ट हैं ऐसा सोचिए कि हम सभी सूक्ष्म डायमंड हॉल में हैं, हम वर्चुअल डायमंड हॉल में बैठे हैं जहां हमारे आदरणीय भाई साहब बहुत ही सुंदर एक ऊंची उड़ान पर हमको आज लेकर गए, ऐसी फ्लाइट। देखिये भाई साहब बहुत अच्छी आ रहे हैं रिस्पॉन्स, हमारे सभी बाबा के बच्चे दिल की थैंक्स दे रहे हैं कि अच्छी उड़ान थी और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, लाखों दुआएं, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमारे निखिल आनंद जी कहते हैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसे पूरे इंडिया से लाखों, और लाखों जो फरिश्ते सूक्ष्म रूप में तो है ही, पर यहाँ प्रैक्टिकल रूप में भी बहुत सारी आत्माएं हैं और ये क्लास कल तक निश्चित तौर पर 15,000 से 20,000 आत्माएं देख लेती हैं। कई आत्माओं को कई बार जॉब की प्रॉब्लम है, कोई सर टाइम सेटिंग की प्रॉब्लम है, तो देखता हूं कि अभी देखिए भाई साहब कितनी फास्ट रीति से सभी दिल की दुआएं दे रहे हैं, आप इनके प्रति भी अपने दिल के उद्गार जरूर दें। थैंक यू। जी भाई साहब सभी को बहुत अच्छा क्लास लगा और ऐसे ही क्लास आप ऐसे ही भरपूर करते जाएं सभी को, और निवेदन है कि ऐसे ही आप बीच बीच में क्लास करते जाएं दिल की अनंत गहराइयों के साथ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी भाई हमारे हैं उनसे आज हम थोड़ा क्षमा मांगेंगे क्योंकि भाई साहब ने आज तो कह ही दिया, क्योंकि आप इंटरनेट और साइंस के साधनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। कभी भी इंटरनेट स्लो डाउन हो सकता है, कभी भी सर्वर डाउन हो सकता है, कभी भी लॉकडाउन हो सकता है,
परंतु हमारी स्थिति डाउन ना हो, जो बाप दादा ने कहा कि हर चीज डाउन हो जाएगी, इसलिए हमें रूहानी कमांडो को सदा तत्पर रहना है। बहुत अच्छी बात भाई साहब ने बताई कि कैसे जो कमांडो होते हैं भारत के, वो जूते मोजे पहनकर ही सोते हैं ताकि कभी भी उनको कभी भी कॉल आए और वो तुरंत होकर अपने ड्यूटी में चले जाए। इसी प्रकार हम सभी रूहानी कमांडो को सदा तत्पर रहना है कि कभी भी बाबा हमें बुलाए कि बच्चे यहाँ सकाश देनी है, ये सेवा करनी है, तो हम सदा तत्पर रहे। तो हमारे बड़ों की, हमारे हमारे आदरणीय भ्राताओं की बहुत ही बहुत दिल की दुआएं हैं और सबका बहुत प्यार है इस विशेष प्रोजेक्ट से। ऐसे ही आपका प्यार भाई साहब बना रहे और बीच बीच में आप ऐसे ही सबको अपने दिल के उद्गार व्यक्त करें, पालना देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आपने सुना, बहुत ही सुंदर क्लास थी आज की, और फ्लाइट ऑफ एन एंजल, सभी उड़े होंगे, कौन कौन उड़ा